एक तरफ जहां तेजस फाइटर जेट को खरीदने के लिए पूरी दुनिया में होड़ लगी है, तो दूसरी तरफ मलेशिया जैसे देश ने इसे अपनी वायुसेना में शामिल करने से मना कर दिया है और साउथ कोरिया के 18 F-50 फाइटर जेट को शामिल कर लिया है अपने बेड़े में। यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस अब रॉयल मलेशिया वायुसेना का हिस्सा नहीं होगी, क्योंकि यह भारतीय विमान दक्षिण कोरियाई कंपनी KT-50 गोल्डन ईगल से मुकाबले में आधिकारिक तौर पर दौड़ से बाहर हो गया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि तेजस में कोई कमी है, क्योंकि तेजस के साथ साथ चीन से लेकर अमेरिका जैसी बड़ी बड़ी फाइटर जेट की कंपनियों को मलेशिया ने अपनी वायुसेना में शामिल करने से मना कर दिया। चलिए अब जानते हैं कितने भी मलेशिया ने साउथ कोरिया के साथ ये डील की। T-50 ने LAC तेजस को मुकाबले से आधिकारिक तौर पर बाहर करके मलेशियाई एयरफोर्स के लिए $920 मिलियन मूल्य के 18 विमानों का टेंडर हासिल किया। अब अगर साउथ कोरिया के इस फाइटर जेट की खासियत की बात करें, तो ये एक ऐसा फाइटर जेट है जो डिफेंस सेक्टर में धड़ल्ले से बिक रहा। यानी इस फाइटर जेट पर लगातार दुनिया के कई देश दांव लगा रहे। ये दक्षिण कोरियाई सुपरसोनिक उन्नत जेट प्रशिक्षकों और हल्के लड़ाकू विमानों का एक परिवार है, जिसे लॉकहीड मार्टिन के साथ कोरिया एयरस्पेस इंडस्ट्री ने विकसित किया है। T-50 दक्षिण कोरिया का पहला स्वदेशी सुपरसोनिक विमान है और दुनिया के कुछ सुपरसोनिक प्रशिक्षकों में से एक भी है। तो वहीं इससे पहले हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने अक्टूबर 2021 के दौरान मलेशिया के रक्षा मंत्रालय को 18 लीड इन ट्रेनर LAC तेजस की आपूर्ति के लिए एक प्रस्ताव दिया था। इसके बाद रॉयल मलेशिया वायुसेना ने पिछले साल 18 हेलीकॉप्टरों के लिए एक वैश्विक निविदा जारी की थी, यानी टेंडर जारी किया। इसमें HAL के साथ ही अमेरिकी लॉकहीड मार्टिन और कोरियाई एयर स्पेस इंडस्ट्रीज यानी KAI ने संयुक्त रूप से हिस्सा लिया। HAL का कहना था कि LAC तेजस के पास बोली में चयन का एक उचित मौका है, क्योंकि ये मलेशियाई वायुसेना की जरूरतों के सभी मानदंडों को पूरा करता है। हालांकि मलेशिया ने शायद इसलिए इसे लेने से मना किया हो, क्योंकि ये नया फाइटर जेट है और इसकी डिलीवरी के लिए कोई मसला खड़ा हो गया हो। खैर, अब भारतीय लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी LAC तेजस के रॉयल मलेशिया वायुसेना लड़ाकू बेड़े का हिस्सा बनने की उम्मीद खत्म हो गई। इस मुकाबले में अंतिम दौर पर KAI और HAL ही थे, लेकिन मलेशियाई वायुसेना ने टेंडर का अंतिम विजेता लॉकहीड मार्टिन और कोरियाई एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज के संयुक्त उत्पाद T-50 गोल्डन ईगल को घोषित कर दिया। आपका क्या कहना है तेजस की डील का भारत के हाथों से फिसलने पर? कमेंट कर जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।